किसी दिन आइए, आपको आमंत्रित करें, चाय पीजिए और जनता से पूछिए। मेरे पास दो कोटा है, समरा उरुआ, आप देखिए बराबर उनको राशन बराबर देता हूँ, और उसके बाद दो दिन बाद उनको बुलाकर फिर राशन बराबर वही काटा दिया जाता है। अच्छा, दो काटा नहीं रखे? नहीं, मैंने दो काटा नहीं रखा। रघुनाथ बाबा जिंदाबाद। भैया भैया नारा मत लगाइए, वो नहीं रैली नहीं है, नारा लगाने कितना पैसा मिला? कुछ नहीं, कोई भी नहीं। बीजेपी, बीजेपी आना चाहिए जी। तो लोकसभा में तो बीजेपी हार गई थी मिल्कीपुर 7800 वोटों से। अरे उसमें प्रत्याशी कुछ कमी थी। चला रहा है, हम लोग बीजेपी के हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र मिश्रा है। सुरेंद्र मिश्रा जी, तो नहीं तो जैसे कुछ प्रत्याशी हैं उनका विरोध भी है मिल्कीपुर में जी। जिसका है विरोध करे, हम तो हैं भाई वही। आदर नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में है और मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। 10 सीटों में एक सीट ऐसी है मिल्कीपुर जो हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव जो है अयोध्या में हुआ था, बीजेपी हार गई थी और जो मिल्कीपुर के सबसे विधायक थे वो जो है अब अयोध्या के सांसद हो गए हैं। ऐसे में उपचुनाव होना है और उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होने वाला है, हम युवाओं का पूरा जत्था है और बात करते हैं कि मिल्कीपुर के युवा आखिर क्या चाहते हैं। तो मिल्कीपुर के युवा किधर है? मिल्कीपुर में उपचुनाव है, क्या चाहते हैं भैया, कौन आना चाहिए? बचपन से भाजपा समर्थक हूँ, मरते दम तक भाजपा समर्थक रहूँगा। अच्छा, सही के लिए मैं जनता से यही कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों से यही कहना चाहता हूं कि भाजपा को वोट दे। भदरसा कांड को देखते हुए सही के लिए सबक भाजपा, गलत के लिए गलत भाजपा। अच्छा, क्या कहेंगे भैया आपकी? क्या भैया, कमाल कमाल, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, गोरखनाथ बाबा जिंदाबाद, गोरखनाथ बाबा जिंदाबाद। भैया भैया नारा मत लगाइए, वो नहीं रैली नहीं है, नारा लगाने कितना पैसा मिला? कुछ नहीं, कोई भी नहीं। हम से तो लगता है खुला है, खुला गोरखनाथ बाबा के नाम क्यों नहीं जीते, गोरखनाथ जीती हैं। अच्छा, बता दिया था भारतीय जनता पार्टी से। तो मिल्कीपुर का उपचुनाव? अरे यार लोकसभा का हुआ दिया। अरे यार 7800 एक जने का है, जो ना है करे क्यों जीते? तो लोकसभा में मिल्कीपुर 7800 वोटों से हारी है भाजपा। अरे हारी है तो हारी है, जीते कहाँ गए थे आप? जीतेगी जीतेगी। अच्छा हाँ, सरकार बनाएंगे। अच्छा, क्या भैया जैसे आप युवा हैं, क्या चाहते हैं? हम युवा हैं, ये चाहते हैं कि हमको रोजगार मिले। ठीक है, कौन किस सरकार में आपको रोजगार मिल सकता है? देखिए भाजपा तो 7 साल से देख रहे हैं मेरी बात, कोई सरकार कभी भी किसी को रोजगार नहीं देती है, वो अपने मेहनत से रोजगार मिलता है। उनका काम है, वैकेंसियां खाली हैं, जहाँ पे वो रहें उसको जो है वैकेंसियां की पूर्ति करें। तो वैकेंसियां आती है, पेपर लीक क्यों होता है, कौन करवाता है? पेपर लीक करवाते हैं वो अधिकारी लोग ही, पेपर लीक करवाते हैं। ठीक है, उसमें सिस्टम पे क्या कहेंगे? दुनिया जो है विश्वास पर ही टिकी है, एक दूसरे के विश्वास ही हैं, समझ रहे हैं? जैसे कि आज अधिकारी आज हैं, कल दूसरा कोई रहेगा, हम आपको विश्वास के ऊपर उस पर नियुक्त किए हैं, आप विश्वासघात कर गए तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को क्या करना चाहिए? ऐसे सिस्टम को ये करना चाहिए कि अपने अधिकारी को अच्छे से तैनात किए रहें, एक दूसरे के साथ विश्वासघात ना करें, क्योंकि आज हम आपके साथ हैं कल दूसरे के साथ हैं। जी जी, समझ रहे हैं? बस तो ना तो कोई सरकार किसी के मुंह में ला के खाना डालेगी और ना किसी को खिलाएगी जब तक आप खुद नहीं मेहनत करेंगे। अच्छा, मिल्कीपुर में आना कौन चाहिए अगर विकास देखे तो? विकास सब आए, सपा भाजपा, सपा भाजपा जो कुछ भी है, ठीक है, उसके मैं नहीं बात कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं जो कुछ भी आए अच्छा काम करे, बस कोई भी पार्टी है। ठीक है, जैसे अभी कुछ लोग और हैं हमारे साथ में युवा, कौन आना चाहिए? बीजेपी, बीजेपी आना चाहिए जी। तो लोकसभा में तो बीजेपी हार गई थी मिल्कीपुर 7800 वोटों से। अरे उसमें प्रत्याशी कुछ कमी थी। अच्छा, और उसके बाद अच्छा यहाँ तो प्रत्याशी कौन आना चाहिए? यहाँ पे कोई प्रत्याशी है, हमें से बीजेपी से मतलब है। अच्छा, सिंबल आपको दिख रहा है खाली का फूल बस? अच्छा, प्रत्याशी नहीं दिख रहा? हमें प्रत्याशी नहीं। अरे तो भैया ऐसा प्रत्याशी भी बता दीजिए ताकि मिल्कीपुर थोड़ा विकास हो जाए, सुधर जाए। प्रत्याशी नहीं मतलब है, कमल का फूल। कमल का फूल जी। अच्छा चाचा, कौन आना चाहिए मिल्कीपुर में? 200 कमीशन कौन आना चाहिए? 200 रुपया कमीशन। कैसा 200 रुपया कमीशन? मतलब कोटेदार का 200 रुपया कुंटल कोटेदार का कमीशन? ये क्या है, आप खुल के बताइए, हम समझे नहीं रहे। अरे भैया खाद राज सार्वजनिक वितरण प्रणाली का है, देखा इनका बदला हो। हाँ जी, खाद कोटेदार जानते हो? हाँ कोटेदार को जानते हैं। हाँ, तो वही कोटेदार को कमीशन मिलना चाहिए प्रति जो है कुंटल 200 रुपये। 2 रुपये किलो? 2 रुपये किलो कमीशन नहीं मिलता? परदेशों में मिलता है 2 रुपये किलो। अच्छा, आप कोटेदार हैं क्या? मुझे पता लग गया, कोटेदार हैं। क्या चाहते हैं? अच्छा, कौन सरकार आपकी मांगे पूरा कर सकती है? देखो हम सब शुरू से ही मांग करते आ रहे हैं, अभी तक चाहे जो बसपा रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे जो, आज तक हमारी सबकी मांग पूरी हुई नहीं। अच्छा, अब हमारे खाद्य, आज खाद्य मंत्री जो है आ रहे हैं, उनसे आप हम सब जो है एक अपनी मांग उनके लिए जो है। कितने कोटेदार आए हैं? आए हैं कम से कम 50 कोटेदार ले। 50 कोटेदार? अच्छा, कहाँ है सब? अरे सब यही ना, हाँ आ रही मंत्री जी आवे, जैसे ये आ रहे हैं हमारे
अध्यक्ष जी हैं जी जी अच्छा। ये हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। अभी मामले को तैयार किया जा रहा है, मंत्री जी को दिया जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, उसके बाद यहाँ मध्य प्रदेश, तमाम कोटेदारों को 200 रुपये मानदेय दिया जा रहा है कमीशन, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनको 90 रुपये दिया जा रहा है, जिससे हम लोग सुचारू रूप से वितरण कर रहे हैं। जितनी भी हम लोगों की योजना मिल रही बराबर जनता भी दे रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 90% कोटेदार ऐसे हैं जिनके पास जो है डबल कांटा है, डबल कांटा है जो सरकार दी है वो कुछ 50 किलो कांटा हम लोग पास है। चाहे जब आप आइए देखिए, उसी में हम लोग जब तक मशीन कंडक्ट नहीं करेगा तब तक हम राशन नहीं दे पाएंगे, राशन नहीं देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो कोटेदार हैं पहले अंगूठा लगाते हैं, उस पर राशन तोलते हैं, दूसरे दिन दूसरे कांटा से तोलते हैं, 4 किलो कम रहता है। हमारे आप देख लीजिए, आज बगल आ जाइए, आप किसी दिन आइए, आपको आमंत्रित करें, चाय पीजिए और जनता से पूछिए। मेरे पास 2 कोटा है समरा उरुआ, आप देखिए बराबर उनको राशन बराबर देता हूँ, और उसके बाद 2 दिन बाद उनको बुलाकर फिर राशन बराबर वही कांटा दिया जाता है। अच्छा, 2 कांटा नहीं रखे? मैंने 2 कांटा नहीं रखा हूँ, जो सरकार ने दिया, हमारी सरकार योगी सरकार ने दी, वही कांटा चला रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो जैसे 2 कांटा जो रखते हैं कोटेदार, उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो गलत रखे हैं, गलत रखे हैं। हाँ, उनको जो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कांटा दिया उसी में देना चाहिए। अच्छा, ये निर्मा नमक का क्या है भाई? निर्मा नमक बिक रहा है, नमक जाए जिसका मन हो लेना, ना मन हो ना ले, कोई जबरदस्ती। हमारे यहाँ जबरदस्ती अगर आप नमक निर्मा लेंगे 60 रुपया देंगे तब आपको मिलेगा, नहीं तो राशन नहीं। गलत कर रहे हैं, ये अभी हमारी मीटिंग हुई थी कल, हमारे आर ओ साहब, हमारे इंस्पेक्टर ने कहा जिसका मन हो ले, नहीं कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, उसमें कोई जबरदस्ती, हमने तो अपने यहाँ, मैं अध्यक्ष हूँ, मैंने हर गुरु में छोड़ दिया कि कोई जबरदस्ती कोटेदार नहीं करेगा, जिसका मन हो ले, ना मन हो ना लो। जी जी, हाँ, पब्लिक कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जी जी, तो अभी और कुछ लोग हैं, हम जो है इनसे भी बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे, कौन आना चाहिए? मिल्कीपुर से हमें ईमानदार प्रत्याशी चाहिए, कर्मशील चाहिए, कर्मठ चाहिए, जुझारू चाहिए, जो हमें जनता के बीच बराबर मिले, जनता की सेवा की। अच्छा, तो आपकी नज़र में ऐसा प्रत्याशी कौन है जो ईमानदार है, कर्मठ है, जुझारू है और विकास करेगा मिल्कीपुर? वो काम पार्टी का चयन करना, मेरा नहीं, पार्टी जिसे भेजेगी वही। तो योगी जी या सपा आना चाहिए, भाजपा, इतना बताइए। ये मेरा काम नहीं है, मुझे विकास वाली सरकार चाहिए, ना सपा चाहिए ना भाजपा चाहिए। तो कौन विकास करे? जो विकास करे, जो अच्छा काम करे, मुझे वैसे प्रत्याशी चाहिए। तो आपकी उम्र जैसे इतनी हो गई, अभी देखा जाए तो 2017 में बीजेपी सरकार थी और 2017 के बाद जो है सपा थी, तो किस सरकार में ज्यादा काम हुआ है, सपा या भाजपा? पारदर्शिता के मामले में बीजेपी सरकार में जो भी योजनाएं हैं जन जन तक पहुंच रही हैं, 1 रुपया अगर सरकार का किसी योजना के नाम पर आ रहा तो लाभार्थी के खाते में जा रहा है, पारदर्शिता आई है। लेकिन पारदर्शिता के साथ साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। अच्छा जी, सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है बीजेपी? बिल्कुल। अच्छा, कौन आना चाहिए मिल्कीपुर से? हमें स्वच्छ प्रत्याशी, स्वच्छ छवि वाला प्रत्याशी चाहिए। अच्छा, कौन है? जैसे काफी प्रत्याशी लाइन लगाए हुए हैं भाजपा से। हम प्रत्याशियों का, मुझे जो है, मैंने उनका प्रत्याशियों का हम चरित्र प्रमाण पत्र हम नहीं बनाते हैं, वो काम है का पार्टी का। अरे आप बताएंगे, अब योगी जी थोड़ी आएंगे यहाँ उनको देखने? अभी तक कोई प्रत्याशी हम लोगों से व्यक्तिगत मिलने आया ही नहीं है, और बताइए। अच्छा, अभी कोई प्रत्याशी मिलने नहीं आया? अच्छा, तो अभी कुछ लोग और हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। जी भैया, क्या चाहते हैं मिल्कीपुर में? क्या चाहते हैं जो सपा या भाजपा? भैया भाजपा चाहिए हमें। अच्छा, हाँ, भाजपा से कौन आना चाहिए? जैसे कई प्रत्याशी जो चाहे हुए। अच्छा, हाँ, चाहे हुए भाजपा देगा। अच्छा, बाकी और क्यों? हाँ, चाहे जी आवे भाजपा के दिए। अब हमसे ऐसे ना मतलब है, मैं योगी जी से मतलब। अच्छा, योगी देखो सिंबल आप देख के बस वोट देते हैं? हमें खाली योगी जी से मतलब है। अच्छा, बाकी चाहे जो आए, अंधर लू लंगर चाहे जी आवे, कोनो फर्क ना है ना, देखा वोट भाजपा का। जी जी, जैसे कुछ लोग और हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? भैया हम तो भाजपा के हैं। भाजपा के हैं जी। अच्छा, भाजपा से जैसे 30-32 प्रत्याशी हैं, तो कौन आना चाहिए? देखिए, उसको उसको सरकार जाने, जो हमारे यहाँ काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। कौन काम कर सकता है आपके यहाँ? अब उसको सरकार, हम तो योगी जी के सर में हैं, जो जिसको सुनेंगे उसको हम वोट देंगे। अच्छा, हाँ, लेकिन प्रत्याशी आप नहीं चयन कर पा रहे हैं, लेकिन साथ हैं बीजेपी के। जी बीजेपी के हैं, आज से हमारा सनातन से चला आ रहा है, हम लोग बीजेपी के हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र मिश्रा है। सुरेंद्र मिश्रा जी, तो नहीं तो जैसे कुछ प्रत्याशी हैं उनका विरोध भी है मिल्कीपुर में? जी, जिसका है विरोध वो करे, हम तो हैं भाई वही। अच्छा, बीजेपी वाले हैं। आपको प्रत्याशी से नहीं मतलब है, सिंबल से मतलब? हमें सिंबल से मतलब है, हमें केंद्र से और राज्य से मतलब, जो हमारे यहाँ के मुखिया हैं हम उनको जानते हैं, हम उन्हीं के। हाँ, जैसे हमारे यहाँ प्रधान जी हैं अभिषेक भद्र सिंह और भोला, जैसे हम लोग यहाँ भोला सिंह के बाद जैसे कॉल करते हैं तो हमारे यहाँ आधी रात खड़े हो जाते हैं, ठीक है, हर समस्या को सॉल्व करते हैं। उसी प्रकार हम केंद्र और राज्य सरकार से जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो हमारा काम तुरंत समाधान होता है उसका। जी जी, तो में और मिल्कीपुर के युवाओं की आवाज़ आप लोग सुने, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ HDN Live News। धन्यवाद।